सीएम साहब क्या वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है? चल रही है सीएम साहब की? चल रही है सीएम साहब की स्पीच? चल रही है वहाँ हाँ शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ रहे हैं वैसे ही उसका तो खैर लगा लेगा साथ साथ। अच्छा तो बॉल वालों से भी सेट नहीं दे रहा सब ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ रास्ता मार करे। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ रास्ता मार करे। हो गया रेडी भाई? इधर क्या खड़ा हो गया? उधर जाना या उधर जाओ? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल भी बात करना चाह रहा था लेकिन कल चूंकि बहुत और एक्टिविटीज थी तो वो बात नहीं कर सका मैं। लेकिन एक जो घोटकी का वाक़या हुआ था जिसमें किसी एक शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने तो इन्हें रिसालत की है और उसके बाद वहाँ कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि एक मंदिर में कुछ लोग घुसे और वहाँ कुछ शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े, बेहरमती की और वहाँ कुछ दुकानें थी जिनको नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन इस तमाम मसले को वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो पुलिस और रेंजर्स थी, उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से हैंडल किया और हम सारा दिन वैसे उनसे रابطे में रहे। लेकिन फिर कल शाम, परसों शाम मैं और नासिर शाह साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर, चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर घोटकी भी गए। वहाँ जो उलमाए कराम है उनसे भी मुलाकात हुई और उसके बाद जो मंदिर था जहाँ पर ये वाकया पेश आया था हम वहाँ पर भी गए और जो हिंदू रहनुमा थे, जो उनके मुखी थे, उनसे भी बात की और ये सारा मसला बड़ी खुशसलूबी से हमने हल किया। और वहाँ जो साजिश की गई थी कि हिंदू मुस्लिम फसादात हों और वहाँ अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए, उससे हम बच गए। वहाँ अच्छी बात ये थी कि तमाम उलमाए कराम जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस बात का वाज़ह ऐलान किया कि वो तमाम अफराद जिन्होंने मंदिर की बेहरमती की या वहाँ पर हिंदुओं की कुछ दुकानों को नुकसान पहुँचाया, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, उनकी सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए शनाख्त की जाए और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो हिंदू रहनुमा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एक शख्स ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बेहरमती हुई है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर पूरी कम्युनिटी को निशाना ना बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो एक वाक़या हुआ उस पर FIR तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन वो शख्स गिरफ़्तार भी हुआ और उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल गैर जानबदाराना तौर पर तहकीकात हो रही हैं। और ये भी मैं समझता हूँ एक बात बड़ी अच्छी थी कि तमाम उलमाए कराम ने ये बात भी कही कि अगर उस शख्स के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया हो और उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा और पूरे मुल्क के लोगों का मौक़िफ़ था एन उसके मुताबिक पुलिस ने भी कार्रवाई की और तमाम चीज़ें जो है उसके मुताबिक हुई हैं। तो पुलिस ने मुख्तलिफ अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर और मंदिर की बेहरमती करने पर 3 मुख्तलिफ FIRs दर्ज की हैं।
कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं और बाकी लोगों की भी शनाख्त करने के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक वाकया था जिसमें बड़ी खुश उसलूबी से इस वाक़े को सब ने हैंडल किया। मैं जो उलमाए कराम हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वहाँ जो हमारी हिंदू बरदरी के जो मौजूद लोग थे, जो लीडर्स थे, जो मुखी थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम लोगों ने इंतहाई दानिशमंदी के साथ इस एक इंतहाई सेंसिटिव इशू को हैंडल किया और कुछ शरपसंद लोग जो इस वाक़े को कोई और रंग देना चाहते थे उनको नाकाम बनाया, उनकी साजिश को नाकाम बनाया। एक वाकया मीरपुर खास में हुआ जहाँ एक बच्चा मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हुई और उसकी फिर डेड बॉडी, उसके वालिद और चचा जो है वो मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे थे, जो एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के नतीजे में वो दोनों बेचारे जो थे, वालिद और चचा, भी हलाक हो गए, जहाँबक हो गए। और जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक एक वाकया हुआ है जिसकी हम जिस पर अफसोस भी करते हैं, लेकिन इस वाक़े को जिस तरह पे पेश किया गया हमारी अपोजिशन की जानिब से कि खुदा न खास्ता कि जैसे कि ये सारा वाक़या बिलाल भुट्टो जरदारी ने करवाया है, पीपल्स पार्टी ने करवाया है, चीफ मिनिस्टर ने करवाया है, ये तासुर देना मैं समझता हूँ कि असल वाक़े से लोगों की नज़र और जो तवज्जो है वो हटाने के मुतरादिफ़ है। एक गलत वाक़या हुआ है, होना तो ये चाहिए कि जो इसमें मुलविस लोग हैं उनकी निशानदेही करके उनको सज़ा देनी चाहिए। और सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर वहाँ एक तहकीकाती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और फौरी तौर पर उस एक दिन में जो है रिपोर्ट मांगी, वो रिपोर्ट आई, उसके बाद वहाँ का MSB जो है वो सस्पेंड हो गया, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो सस्पेंड हुआ, वहाँ जो कैजुअल्टी का इंचार्ज था वो सस्पेंड हुआ और जो पीड्स वार्ड का इंचार्ज था वो सस्पेंड हुआ। तो चार डॉक्टर्स जिसमें ज़ाहिर है कि दो आला अफसरान थे उनको सस्पेंड किया गया और मज़ीद इंक्वायरी ये जारी है। उनकी जो मुतासरीन की फैमिली है उनके बयान भी लिए गए हैं ताकि इसमें अगर कोई और कार्रवाई इन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ बनती हो तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसलिए कि उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेज मौजूद थी, रनिंग कंडीशन में मौजूद थी और वो क्या वजूहत थी कि एम्बुलेंसेज होने के बावजूद भी उस फैमिली को एम्बुलेंस नहीं दी गई और वो मोटरसाइकिल पर बच्चे की लाश लेकर गए, फिर खुद एक हादसे का शिकार हो गए। इसके अलावा एक खबर अभी आ रही है कल से कि मालम जब्बा करप्शन का एक केस था जिसकी नैब तहकीकात कर रही थी और मुख्तलिफ PTI के जो वज़रा थे, जो लीडर्स थे, उनको इसमें बुलाया गया। अब ये इत्तला आ रही हैं कि शायद तमाम लोगों को इस केस से बरी किया जा रहा है और उनकी जान छोड़ी जा रही है। मैं समझता हूं कि ये नैब का जो अमल है हमारी इस बात को साबित करता है कि ये नैब जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनको निशाना बना रहा है और जो लोग इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आवाम के सामने लाते हैं, असम्बली में बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये नैब इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात चीफ जस्टिस साहब ने जो दो तीन दिन कबल एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा था कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो लोपसाइडेड है, वो उसका जो परसेप्शन बन रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इस तासुर को ज़ायल होना चाहिए और इसका नुकसान जो है उन्होंने कहा कि जमहूरियत को होगा, मुल्क को होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिन खदशात का इजहार हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे उसी खदशे का इजहार मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है मैं समझता हूँ माजी के कई जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। तो हुकूमत को भी और नैब को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि सियासी इंतकाम की आग जो उनके अंदर इस वक्त PTI के अंदर लगी हुई है, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म के अंदर लगी हुई है, उससे शायद उनकी अपनी ज़ाती अना को तो तस्कीन मिल रही होगी लेकिन जो मुल्की इदारे हैं, जो मुल्की निज़ाम है, जो पार्लियामेंट है, उसको वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और एक तरफ आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ बेबुनियाद मुकदमात बना रहे हैं नैब में और नैब उनकी गिरफ्तारियाँ कर रही है और दूसरी तरफ जो PTI में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने आपको बताया
जिस तरह मालम जब्बा का केस आया उसमें उनको छोड़ा जा रहा है। इसी तरह अभी पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे मीडिया के कुछ चैनल्स पर ये चीज़ें आ रही हैं कि अली जैदी साहब जो हैं अपने ज़ाती दोस्तों को किस तरह नवाज रहे हैं और किस तरह उनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो दिए जा रहे हैं। मैं अभी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि उसमें कितना सच है या कितना सच नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हों कि इनके वो दोस्त जिनको ये ठेके दिए गए हैं उनके ख़िलाफ़ FIA ने इंक्वायरियाँ कर रखी हों, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ FIRs दर्ज हों, माली बेजाब्तगियों की FIRs दर्ज हों और ऐसे जो शेडी करेक्टर्स हैं उनको अगर ये बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और फिर वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकातें भी करवाई जाएँ, वज़ीर आज़म के साथ उनको बैरूनी ममालिक के दौरे भी कराए जाएँ और फिर उन्हीं लोगों के घरों में वफाकी वज़ीर जो हैं वो रिहाइश पज़ीर भी हों, तो बहुत सारे सवालात इस पर जन्म लेते हैं। और मैं, मुझे उम्मीद तो नहीं है लेकिन मैं मुतालबा ज़रूर करूँगा नैब से कि आपकी अगर तवज्जो थोड़ी पीपल्स पार्टी और नून लीग से हटती हो, थोड़ा सा आपके पास अगर वक्त बचा हो, तो ये जो PTI के गुजरा के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई कर लें। और BRT पिशावर, जिस पर ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बनाई हुई इंस्पेक्शन टीम ने ये कहा कि 7 अरब रुपए की करप्शन तो उन्होंने कही है, करप्शन इसमें ज़्यादा हुई है और वो प्रोजेक्ट जो 6 महीने के अंदर मुकम्मल होना था, ना ये कि उसको 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, बल्कि वो एक जगह बनाते हैं फिर उसको तोड़ते हैं फिर बनाते हैं फिर उसको तोड़ते हैं और जो उसकी लागत थी उस लागत से बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर पैसा खर्च हो चुका है। उसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प बात कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ने कही थी कि मैं BRT मुकम्मल होने के बाद नैब से इसकी तहकीकात करवाऊंगा, तो हमारी वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है कि नैब वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के चंद वज़रा के इशारों पर काम करती है। तो अब जब वज़ीर आज़म साहब नैब को इजाज़त देंगे तो उसके बाद ही BRT की तहकीकात शुरू होंगी या फिर उससे पहले भी BRT उस पर कोई काम कर सकती है, कोई कार्रवाई कर सकती है, तो ये कार्रवाई फौरी तौर पर उनको करनी चाहिए। कोई और सवाल आपका हो तो जी मैं हाजिर। सर, घोट की वाकया जो हुआ है उसमें आमतौर पर कहा जाता है कि वहाँ की एक बासर शख्सियत है जो हमेशा इस किस्म के वाकयात के पीछे होती है, तो और हिंदुओं ने भी पहले शिकायत की थी कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया उसकी सज़ा भी हमें मिलेगी, तो इससे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखें, तहकीकात जैसे मैंने आपको बताया कि गैर जानेदार हो रही है और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उसमें किसी किस्म का असर व रसूख इस्तेमाल ना हो। जो भी शख्स या जो भी अफराद इस वाक़े में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सईद भाई, नैब की टीम आई हुई है रावलपिंडी से, कल से खबरें चल रही हैं, CM साहब आज पेश हो रहे हैं नैब की टीम के सामने? देखिए, मेरे पास इस तरह की इत्तलात नहीं है, लेकिन नैब जो वज़ीर आला साहब हैं उनकी आज सुबह से मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स थी और वो अपनी इंगेजमेंट्स के मुताबिक मुख्तलिफ तकारीब में शरीक हुए हैं। मेरे पास कोई इत्तला नहीं है कि उनको कोई नोटिस आया है या वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध की तकसीम पर या कराची के स्टेटस को चेंज करने पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से लेकर हर शख्स ने एक वाज़े मौक़िफ़ रखा है और हमने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है हम ना सिर्फ ये कि इस किस्म की किसी बात को तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि जो शख्स ऐसी बात करेगा हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ामत भी करेंगे और उसके ख़िलाफ़ सियासी एहतजाज भी हम करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल तो उन जमातों पर उठता है जो बात तो ये करती हैं कि सिंध को एक रहना है और हम किसी भी तकसीम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन साथ उन लोगों के बैठे हैं जो सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं। MQM के इस मौक़िफ़ से, MQM की इन बातों से मैं नहीं समझता कि कोई शख्स गाफिल है। MQM ने माजी में भी इस किस्म की नफ़रत अंगेज़ बातें की हैं और आज भी वो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा GDA से है, सवाल मेरा PTI से है, सवाल मेरा उनके उन और हलीफों से है जो हर मीटिंग में हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी की नफ़रत में इनको साथ बिठाते हैं और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बातें भी करते हैं और कंपेन चलाने की बात करते हैं। उन्हें यह फ़ैसला करना है कि क्या वो ऐसी जमात के साथ बैठना चाहते हैं
جو سندھ کو توڑنے کی بات کرتی ہے، کراچی کو تقسیم کرنے کی بات کرتی ہے، کراچی کو اسلام آباد سے کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہے، یا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں. تو یہ فیصلہ ان جماعتوں کو کرنا چاہیے، اور آپ کا سوال ان لوگوں سے ضرور ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فروغ نسیم نے جو یہ بات کہی ہے، اصل میں یہ انہوں نے ہاتھ کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا ان کی سمجھ میں کب آئے گی یہ بات غور طلب ہے بہت، کہ یہ بات سب کو پتا ہے اور ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم کی نشستیں تھیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں ملی ہیں، وہ پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں. اور یہ بات کسی طور پر بھی ایم کیو ایم کو ہضم نہیں ہوگی. بلدیاتی الیکشن قریب ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم کا نتھی ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے کراچی کا میئر جو وہ لینا چاہتے ہیں. لیکن فروغ نسیم نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جس سے پی ٹی آئی کی سیاست کا وہ جلوس نکال رہا ہے. فروغ نسیم پی ٹی آئی کا نہیں، ایم کیو ایم کا نمائندہ ہے. فروغ نسیم وہ خاص آدمی الطاف حسین کا جو اس کا کیس لڑتا رہا ہے. فروغ نسیم وہ آدمی ہے جس کو ایف آئی اے نے انٹروگیٹ کیا ہے منی لانڈرنگ کے کیسز کے اندر. تو کسی کو اگر یہ ذہن میں ہے کہ فروغ نسیم الطاف حسین کی سوچ سے کوئی مختلف ہے تو یہ بالکل غلط ہے. فروغ نسیم نے یہ بات کر کے ایم کیو ایم کے لیے پولیٹیکل گراؤنڈ بنایا ہے کراچی کے اندر، اور پی ٹی آئی کو رگڑا لگایا ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے، اگر ایم کیو ایم فروغ نسیم کو ڈیفینڈ کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن پی ٹی آئی جب فروغ نسیم کو ڈیفینڈ کرتی ہے تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. پی ٹی آئی ٹریپ ہوئی ہے، لیکن انہیں اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ جو فروغ نسیم نے کہا تھا کہ ہم کراچی کا انتظام اسلام آباد میں لینا چاہتے ہیں، کیا وہ بات پی ٹی آئی کی اس بات پہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. سر بعض لوگوں کا کہنا ہے جیسے کہ آپ فروغ نسیم کی نیت سے زیادہ واقف ہیں، تو جو آپ نے اس کے کافی میں ایم کیو ایم کی نیت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فروغ نسیم قائد تحریک کی جگہ اب آنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ میں دوبارہ سے اس متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے صفوں میں. دیکھیں، میں نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ ایم کیو ایم ایک کراچی کی ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے اس سے بہت اختلافات ہوں، لیکن بہرحال کراچی کے لوگ آج بھی ایم کیو ایم کو اتنی تعداد میں تو نہیں لیکن بہرحال ووٹ دیتے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ استعمال ہوئی ہے کچھ لوگوں کے کچھ اداروں کے ہاتھوں. صوبہ سندھ کی جینون پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو پیپلز پارٹی جو ہے اس کے خلاف، اور اس مرتبہ بھی اس کو پی ٹی آئی استعمال کرتی رہی ہے. کبھی قائد تحریک استعمال ہوا کرتے تھے، اور 12 مئی کا واقعہ بھی کروایا اور بہت سارے قسم کے واقعات کروائے انہوں نے مشرف کے کہنے پر. لیکن اس مرتبہ چونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کر کے ایم کیو ایم کو استعمال کیا جا سکے، تو فروغ نسیم وہ کردار ضرور بن سکتا ہے جس کے ذریعے ایم کیو ایم کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے جس طرح میں نے بتایا، فروغ نسیم الطاف حسین کا وکیل رہا ہے اور شاید آج بھی اس کا رابطہ ہوگا، اس کی ہمدردیاں ہیں. فروغ نسیم نے الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا کے برابر کھڑا کیا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ لندن میں ہی تھا، یہی ایم کیو ایم کے حالات تھے، انہوں نے کہا. اور فروغ نسیم جس طرح سینٹ کا الیکشن جیت کر آیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور فروغ نسیم کو جب وزیر بنایا گیا تو ایم کیو ایم کے ہی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ فروغ نسیم کو ہم نے ریکمنڈ نہیں کیا کہ یہ کیبنٹ میں آئے. تو یہ ریکمنڈیشن کسی اور کی تھی جن کی نمائندگی وہ کیبنٹ میں کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ پھر نوکری بھی انہی کی کر رہی ہے اور وہ کر رہے ہیں. سیدھا یہ بتائیں، ایک تو آپ نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، یہ تو آپ نے بھی 5 سال ان کو بٹھایا تھا جب ضرورت پڑی تھی. دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ اس مرتبہ بھی ایم کیو ایم کے پیچھے کوئی اور چاہ رہا ہے کہ کراچی کو صوبہ سندھ سے الگ کرنا، یا ایم کیو ایم چاہ رہا ہے؟ اگر وہ چاہ رہی تو اس کا کیا ہے، دیکھیں کیا مقصد ہے؟ اگر ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت میں کوئی اتحاد کیا، اس دوران ہم نے کبھی بھی ایم کیو ایم کی ایسی کسی ڈیمانڈ کو سپورٹ نہیں کیا جس میں صوبے میں تقسیم کی بات کی گئی ہو. ایم کیو ایم نے جب جب صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کی، پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی اور کھل کر مخالفت کی. میں آج چونکہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہے، کچھ لوگ سندھ کے حقوق کے دعوے دار بھی بنتے ہیں. اگر ایم کیو ایم کا موقف ان کو تسلیم نہیں ہے تو جس طرح ہم کھل کر اپنی باتوں کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، اور اس اتحاد سے
या तो अपने आप को अलहदा करें या फिर एमपीओ को इतिहाद से निकालने की बात करें। थैंक यू जी।